नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझी में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात करें तो पहले ही नाम में ट्रेंडिंग लगा हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि खेसारी लाल यादव का गाना हो, फिल्म हो या फिर कोई भी चीज हो, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड करते नजर आता है और इसलिए वो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि खेसारी लाल यादव ने आज वो एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है जिसकी चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री में हर जगह खेसारी मय और खेसारी के गानों की ही चर्चा हो रही है। पूरी जानकारी क्या है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो 2021 की जब से शुरुआत हुई है, खेसारी लाल यादव एक से बढ़कर एक भोजपुरी इंडस्ट्री में कहर ढाते नजर आ रहे हैं। चाहे दुल्हन वही जो पिया मनभावे उनके फिल्म की बात कर लें, या फिर जिस तरीके से कोलकाता में लगभग 3 लाख ऑडियंस के बीच में शो हुआ था उसकी बात कर ले, या फिर उनके गाने 1 घंटे का रिकॉर्ड हो, या फिर मिलियन का रिकॉर्ड हो, या फिर एक दिन में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाना हो, ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के नाम शुमार होता है और इसीलिए भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कहे जाते हैं। एक बार फिर से खेसारी लाल यादव इस लॉकडाउन के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में है और वजह है उनका रिलीज गाना। जी हाँ, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का गाना उन्हीं के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर एक गाना रिलीज किया गया है जो हमारे देश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसी पर आधारित है, यानी कि कोरोना पर वो गाना पूरा का पूरा आधारित है और किस तरीके से लोगों के पास पैसे रहने के बावजूद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अस्पताल में उनके लिए बेड्स नहीं है और वो इस दुनिया को अलविदा कह जा रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि ये बीमारी इतनी ज्यादा डेंजरस है कि आपके पास पैसा हो या फिर आपके पास पैसा नहीं हो, आपके पास पद है या फिर आपके पास पद नहीं है, आप एक बहुत बड़े पद पर हैं लेकिन फिर भी कोरोना के समय जब आप बीमार हो जा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है और लोग तड़प तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों पर आधारित खेसारी लाल यादव का गाना है इंसान खिलौना हो गए। जी हाँ, ये गाना जो है एक दिन में 5 मिलियन का रिकॉर्ड बनाया था जो कि इस बार का यानी कि 2021 का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का गाना बन गया है और पहला नंबर पर खेसारी लाल यादव का ही गाना बंगलिनिया है जो कि एक दिन में 6 मिलियन का रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो इस गाने पर लगातार व्यूज आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इस गाने पर 4 दिन में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जो कि अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो यह है कि खेसारी लाल यादव का ये गाना पूरे देश में म्यूजिक फोल्डर में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और इस बार का पहला गाना बना है जो भोजपुरी का गाना हो और वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा हो और वो रिकॉर्ड जो है वो खेसारी लाल यादव के नाम है। गाना का नाम है इंसान खिलौना हो गए, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज है। अजीत हलचल इसके लिरिक्स राइटर हैं तो वहीं लॉर्ड जी जो हैं उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। 4,16,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, वहीं 51,000 से ज्यादा जो है वो कमेंट्स मिल चुके हैं। तो आप भी जाइए खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर इस गाने को जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि गाना कैसा लगा। फिलहाल खेसारी लाल यादव ने एक बहुत बड़ा इतिहास और रच दिया है कि उनका गाना नंबर 1 पर पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड कर रहा है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात और खेसारी लाल यादव के लिए बड़ी उपलब्धि है। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।